सभी को प्रेज द लॉर्ड। और मैं अपने आप को आपके बीच में पा करके ईश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं धन्यवादित हूँ आप जैसी खूबसूरत महिलाओं के बीच में प्रभु ने मुझे भेजा। बड़ी हसरत थी मेरी जब मेरा बेटा प्रचार करता था और तब राव मैडम उनको हमेशा बुलाती थी, तब बड़ी हसरत भरी निगाहों से मैं हमेशा देखा करती थी और उसका जब तक कि कार्यक्रम समाप्त नहीं हो पाता तब तक मैं वहां बैठी रहती और इंतजार करती कि मेरा बेटा कैसे बोलेगा। सच में आज आई एम सो हैप्पी टू बी विद यू पीपल, द ब्यूटीफुल लेडीज ऑफ नागपुर। आई अप्रिशिएट यू ऑल, स्पेशली द मैडम राव। जो सबसे पहले तो मैं ये एक प्यारी सी छोटी सी घटना बताऊंगी। देखिए सबसे पहले क्या था कि अब तो हम COVID-19 और उसमें फंसे हुए हैं, अभी भी कोई हम क्लियर नहीं हुआ है कि हम पूरी रीति से बिल्कुल ये हो जाए, फ्री हो जाए कि नहीं। अब तो बीमारी चली गई, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। समस्याएं तो भूतकाल में भी रही, वर्तमान काल में भी समस्याओं का ढेर है और भविष्य काल में भी रहेगा। बाइबल एक इतिहास है, वो बाइबल बताती है कि किस प्रकार हमारे इब्री लोग किस प्रकार दुख पाए, समस्याओं से घिरे और फिर परमेश्वर ने उनको गढ़े से हाथ बढ़ा करके उनको उठा लिया और ऊंचा किया, क्योंकि वो उनकी प्रजा थे प्रियो, वो उनके लोग थे, वो उनके चुने हुए लोग थे जिनको इब्रानियों को उन्होंने आगे बढ़ाया। उसी प्रकार हम तो सब अन्य जाति के हैं, हमको तो बाद में साटा गया है, हमको दाखलता से साटा गया है प्रियो। और मैं तो यही बताना चाहूंगी एक घटना के बाद मैं साटने के बारे में बहुत प्यारे तरीके से आपको मैं बताना चाहूंगी। ये घटना ये है, एक कहानी के रूप में ही है समझ लीजिए, पर वास्तविक घटना है ये कि एक व्यक्ति, एक सज्जन पुरुष उस समस्याओं से हमेशा घिरा रहता था, हमेशा घिरा रहता था, परेशान रहता था कि मैं क्या करूं, इधर जाऊं उधर जाऊं, सबसे पूछता था। एक परेशानी आती तो दूसरी फिर निकल आती, एक समस्या का निदान होता फिर नई समस्या का उद्भव हो जाता। वो बड़ा परेशान कि मैं कहां क्या करूं, कोई मेरी मदद करने को तैयार नहीं है। तब वो सोचता कि चलो महात्मा जी के पास तो मैं जाऊंगा और वो जरूर है कि हमको मदद करेंगे। और वो जाते हैं और महात्मा जी मैं इतनी परेशानियों से भरा हुआ हूँ, कोई मेरी मदद नहीं करता, मैं निराश हूँ और मैं बहुत ही ज्यादा दुखी हूँ, तो आप मेरी मदद कीजिए, समस्याओं से मैं घिरा हुआ हूँ। तो महात्मा जी कहते हैं कि ठीक है, आज तो नहीं पर कल आप आइए। और वो खुशी खुशी अपने घर वो सज्जन पुरुष निकल पड़ते हैं। और जब दूसरा दिन आता, रात भर उन्हें नींद नहीं आती और कहते कल कब आएगा, कब मेरे समस्या का समाधान होगा। और वो दूसरे दिन जब जाते हैं महात्मा के पास तो महात्मा जी कहते हैं कि भाई मेरे पास तो 16 कैमल है, ऊंट है, और उसका रखवाला, उसको देखने करने के लिए केयर टेकर जो है वो बीमार पड़ा हुआ है, तो आप मेरी मदद कर सकते हैं क्या। और वो सज्जन तो बड़े पहले से ही रात भर नहीं सोया था खुशी के कारण कि मुझे मेरी समस्या का निराकरण मिलने जा रहा है, तो कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल मैं मदद करूंगा। तो महात्मा जी बोलते हैं कि ठीक है, आज की रात आप देख लीजिए मेरे ये 16 कैमल्स को, वो देखिए कि जब लोग सो जाएंगे वो जानवर तब आप अब खुद भी सो जाना। और तब वो सोचता हाँ इसमें कौन सी बड़ी बात है, कौन सी बड़ी बात है, बाकी मैं भी सो जाऊंगा जब जब सब ऊंट लोग जो है सोएंगे तो। और जो चला जाता अस्तबल में प्रियो, और अस्तबल में जाकर के वो अपनी जगह ढूंढ लेता कि कहाँ मैं भी रात्रि बीतेगी। और जब वो जाता है और फिर थोड़ी देर होती है तो एक ऊंट सो जाता है, वो खुश होता है हाँ अब तो मौका मिल गया कि सब सो जाएंगे, फिर मैं भी सो जाऊंगा और फिर मेरे को अपनी समस्याओं का हल मिल जाएगा। और दूसरा ऊंट सोता, तीसरा, फिर तीसरा ऊंट सोने नहीं पाता, फिर से पहला ऊंट उठ जाता,
फिर चौथा ऊंट सोता, पांचवा ऊंट सोता, सातवां, इस प्रकार ऊंट सोते और कुछ फिर उठ जाते, सोते कई लोग उठ जाते, यानी वो रात भर सो नहीं सका प्रियो। रात भर कोई ना कोई ऊंट जगा रहता और परेशान, कहीं वो भाग ना जाए अस्तबल से। इस कारण वो, क्योंकि वो बड़ा सिंसियर व्यक्ति था, क्योंकि उसको रखवाली करनी थी, वो सिंसियरिटी से भरा हुआ था। तब वो सुबह सुबह, वो जैसे वो सुबह होती है, वो परेशान होकर के वो दौड़ा जाता है और महात्मा जी के पास। महात्मा जी हंसते हुए कहते हैं, क्यों, कैसी रही तुम्हारी रात, कैसे बिताया तुमने? तो कहे, अरे महात्मा जी क्या बोल रहे हैं आप, मैं तो रात भर जगा रहा, एक सोता तो दूसरा उठता, दूसरा सोता तो तीसरा उठता। तब बोले, यही तुम्हारे समस्या का निदान है। जिंदगी में कोई ऐसा नहीं है जिसको कोई भी समस्या ना हो। एक समस्या आपकी आती है, आप प्रार्थना करते हैं, आप गुहार लगाते परमेश्वर से, और सच में परमेश्वर हमको उससे नजात दिलाता है प्रियो, और उसके बाद फिर से दूसरी संकट शुरू हो जाती है। तो वैसा ही तो जीवन है, ये जीवन उसी से भरा हुआ है। सबोपदेशक क्या कहता है कि कभी दुख आएगा, कभी सुख आएगा, कभी खुशी का दिन रहेगा, कभी रोने का दिन होगा, और कभी बनाने का दिन है, कभी ढा देने का दिन है, कभी किसी के प्यार मोहब्बत में पड़ने का समय है, कभी उससे नफरत करने का समय है। मतलब हमारी समस्याओं का हल नहीं निकल सकता, क्योंकि ये जीवन ऐसे ही है प्रियो, और उसके लिए एक ही उपाय है, और वो है यीशु मसीह। वो यीशु मसीह जिसमें अगर हम साटे गए हैं, देखिए साटे गए का मतलब क्या होता है कि हम लोग तो जंगली पौधे हैं, और जंगली पौधे जो है वो असली पौधे से उसको चिपकाया जाता है। यहां पर देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये पौधा, ये दाख लता, यीशु क्या कहते हैं, मैं सच्ची दाख लता हूं, और उसकी डालियां जो होती हैं, ये डालियां साटी जाती है। मतलब इसका क्यूटिकल और इसका क्यूटिकल ये बांध दिया जाता है प्रियो। इस प्रकार देखिए, यहाँ आप देखते हैं कि बांध दिए, इसका क्यूटिकल निकाल के, छिलका निकाल के, और दोनों को साटा जाता है, और साटने से ये नीचे का जो जड़ है, इस जड़ से न्यूट्रिशन जाता है, पानी जाता है, और सारे न्यूट्रिशन मिनरल्स जाते हैं। तो ये दाख लता जो है वो है यीशु। सच्ची दाख लता मैं हूं, और मेरी डालियां जब मुझ में बनी रहती हैं, तब तो वो बिल्कुल स्वस्थ रहती हैं, और जैसे ही वो डालियां अलग हो जाती हैं, मुरझा जाती हैं, तो वो डालियां सूख जाती हैं, अलग हो जाती हैं, और उनका जो मुख्य दाख लता से संपर्क टूट जाता है, वो न्यूट्रिशन नहीं ले पाती, वो पानी नहीं ले पाती। वो बाइबल के वचन है ये सब कुछ प्रियो। जब हम वचन को पढ़ते हैं, वचन की का मनन करते हैं, उसका ख्याल करते हैं कि आज प्रभु हमसे क्या बोलना चाहता है, और इस समस्या में प्रभु हमारी किस प्रकार मदद कर सकते हैं, तो सच्ची दाख लता मैं हूँ, और हमको वो, हम अन्य जाति के लोग हैं, और हम ये साटे गए हैं, ये जंगली क्या है, पौधे हैं जो सच्ची दाखलता से जुड़े हुए हैं प्रियो। तो ये मैं जड़ आपको दिखाती हूँ, जड़ से जुड़े रहना है। जड़ से आपको क्या मिलता है, उस पौधे को पानी और न्यूट्रिशन मिलता रहता है। जब ये शाखा जब यहाँ से अलग हो जाती है, साटे जा गए हैं, इसको ग्राफ्टिंग भी करते हैं, आजकल तो बहुत ही टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है प्रियो, कि एक ही पेड़ में सब तरह के फल पैदा हो जाते हैं। तो उसी के समान सोचिए कि जो मदर प्लांट है वो हमारा यीशु मसीह है। अगर हम मदर प्लांट से जुड़े रहेंगे और उसके वचनों से आप्लावित रहते रहेंगे, उनके वचनों से हम नहाते रहेंगे, तो प्रियो हम कभी भी समस्या हम पर हावी नहीं हो सकती। समस्याएं तो आएंगी, जैसे उस सज्जन पुरुष को पता चला कि सब समस्या तो आती रहेंगी, मगर सब के लिए निदान के लिए हमारा प्यारा यीशु मसीह है। इस घटना से प्रियो हम तो यही कहेंगे कि हम
सच्चे दाखलता से हम जुड़े रहे जीवन भर। जहां इससे अलग हुए, वचन से हम अलग हुए, तो हम प्रभु से दूर हो जाएंगे। वचन हमें वो पालता है, न्यूट्रिशियस देता है, दूध है, वचन का दूध हमें दिया जाना जरूरी है। और जब हम और ज्यादा प्रभु में बढ़ जाते तो हम वचन का मांस दिया जाता है। जब चर्च में हम प्रचार करने जाते जो नए नए लोग हैं तो वचन का दूध उन्हें पिलाते, पर जो पुराने विश्वासी लोग रहते हैं उनको मजबूती के लिए जरूरी है कि उनको शिकायतनामा वचन का दिया जाए। क्या क्या कमियां हैं आपके जीवन में और क्या क्या शैतान आपको कोशिश करता है गिराने की, तो उसमें किस प्रकार आपको स्टैंड करना है, स्थिर रहना है और डरना नहीं है। क्योंकि प्रभु के लोग डरपोक नहीं होते प्रियो, वो हर मुसीबत का सामना करते हैं। कोई भी मुसीबत आ जाए वो कभी सामना करने से डरेंगे नहीं।